देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की महागठबंधन में एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी। ये सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी है। इसके साथ ही पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी उनका दिल से स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में चुनाव का दौर चल रहा है। 400 सीटों का दावा करने वालों को बिहार धूल चटा देगा। देश में आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले हैं। देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम सब लोग नौजवान हैं, बिहार के लिए नया सोचते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे ले जाने का काम करें। वहीं वीआईपी के महागठबंधन में शामिल होने की बात पर कुछ दिन पहले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा था कि मुकेश सहनी की पार्टी का कहीं कोई असर अब नहीं दिख रहा है। बिहार के निषाद समाज के लोग हरि सहनी को अपना नेता मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी की कोई गारंटी नहीं है कि कब तक कहां रहेंगे। मुकेश सहनी का इतिहास यही है कि एक जगह गठबंधन करते हैं, दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उठकर भाग जाते हैं। दरअसल सन ऑफ मल्ला के नाम से मशहूर और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी निषाद की सभी उपजाति को मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। निषाद समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए मुकेश सहनी ने पहले भी ऐलान किया था कि हम सरकार से हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सहनी अब महागठबंधन के साथ आ गए हैं, इससे एनडीए सरकार को और बड़ा झटका लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।